हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग मोरे। मैं अपने यूट्यूब चैनल एसटेक कंप्यूटर एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाला हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में लोगो डिजाइन कैसे करते हैं या लोगो कैसे बनाते हैं। तो देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड ओपन कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड ओपन करने के बाद हम इसमें लोगो डिजाइनिंग करेंगे, लोगो बनाएंगे। इसके बाद सबसे पहले हम इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट पे जाने के बाद हम यहाँ पे शेप लेंगे। शेप हम ए लेंगे, ए शेप उठा लेंगे और हम कीबोर्ड शिफ्ट दबाएंगे जिससे हमारा चारों तरफ से स्पेयर बराबर हो, गोला हमारा बराबर हो। अच्छे ऐसे क्लिक करेंगे और इसको हम ऐसे मैनेज करेंगे, ऐसे इसको हम ड्रैग करेंगे, ऐसे मैनेज करेंगे जितने पर हमें मैनेज करना है ऐसे मैनेज करेंगे। इसको थोड़ा हम पीछे बढ़ा देंगे, ऐसे इसको ऐसे मैनेज कर लेंगे। और जो हमें रंग देना है यहाँ पर कलर हम दे देंगे। मान लो हमें एक कलर देना है यहाँ पर, शेप आउटलाइन हमें नो कर देना है यहाँ पर, नो कर दे मान लो। और हमें मान लो यहाँ पर लिखना होता है तो इंसर्ट पर जाएंगे और यहाँ पर जाएंगे वर्ड आर्ट पर। वर्ड आर्ट पर जाएंगे, यहाँ पर इस कर देंगे, इस पर लिख देंगे हम यस टेक COMPUTER टेक कंप्यूटर ACA Academy एकेडमी यहाँ पे लिख दिए। और यहाँ पर हम यहाँ से इसका फॉन्ट साइज चेंज कर देंगे। यहाँ पर हम 20 कर देंगे। 20 मतलब जितना आपको रखना हो, हम 24 मतलब कर रहे हैं, यहाँ से 24 करते हैं और यहाँ से हम ओके कर देंगे इसको। अब ये हमारा जो लिखा है तो नीचे पहुँच गया, तो यहाँ पर रेड पेस्ट पर जाएंगे और यहाँ पर से इन फॉन्ट ऑफ टेक्स्ट कर देंगे। ऐसे करने के बाद हम इसको यहाँ से ड्रैग करेंगे नीचे को, यहाँ से इसे ड्रैग करते रहेंगे, हमारा ये बन जाएगा। और थोड़ा हम इस तरफ से दबा देंगे इसको, ऐसे हम दबा दिए और इस तरफ से भी दबा देंगे। थोड़ा हम इसको ऐसे खींच लेंगे, ऐसे हम खींच लेंगे, हमारा पूरी तरह से बढ़िया मैनेज हो गया। और मान लो कि जो वहाँ लिखा हुआ है इसका हम सेव करना चाहते हैं दूसरे कलर का। मान लो यहाँ से टेक्सचर टेक्सचर दिए हुए, टेक्सचर हम करना चाहते हैं, यहाँ पर ऐसे टेक्सचर कर देंगे यहाँ पर। और इसकी आउटलाइन जो हो हमारी ब्लैक हो जाए या फिर लाल लाल हो जाए, जैसे हम लाइन रखना चाहें उस कलर की हमारी लाइन हो जाएगी। जैसे हम करते हैं ब्लैक की, ब्लैक कर दिए, उसकी हम आउटलाइन थोड़ा मोटी कर देंगे। यहाँ पर जाएंगे, फिर वेट पर जाएंगे और यहाँ से हम जितनी चाहे उतनी मोटी भी कर देंगे। नीचे जैसे आपको आप यहाँ फिर इंसर्ट पर जाएंगे, फिर शेप्स पर जाएंगे और यहाँ पर स्टार ले लेंगे हम। यहाँ से ये स्टार ले लेंगे, ये वाला स्टार, और यहाँ पर हम ड्रैग कर देंगे, बना देंगे इसे, ऐसे बना दें, ऐसे इसको हम अपने हिसाब से मैनेज कर लेंगे, ऐसे अपने हिसाब से मैनेज कर लें। अब इसी तरह का उधर बना तो हम कंट्रोल दबा देंगे और इसको हम इसको उठाकर हम इसको हम कंट्रोल जड़ पाएंगे, वापस फिर चल जाएंगे और इसको हम फिर वहीं पहुंचाएंगे, कंट्रोल दबा देंगे, इसको हम उधर ले जाएंगे, इधर रख देंगे, ऐसे इधर रख देंगे। इसमें भी हमें टेक्सचर लगाना है, कुछ फिल करना है, तो यहाँ से हम जाएंगे तो हम शेप फिल पे जाएंगे और यहाँ पर टेक्सचर कर देंगे, टेक्सचर कोई लगा देंगे। जैसे मान लो हमें ये लगा देना है, ये तो हमारा मिल जाएगा, लेकिन हमें दूसरा कोई कलर लगा देना है टेक्सचर में, हमें ऐसा लगा देना है, ऐसा लगा दे। और इस सब जो हमारा स्टार बना है इसको भी हम यहाँ पर जाएंगे, ऐसे जाएंगे और टेक्सचर इधर भी लगा देंगे, दूसरा टेक्सचर ऐसा ये लगा देंगे, दोनों सेम एक एक हो गए। अभी इधर हमको लिखना है सेव
सेवता सीतापुर। तो फिर हम यहाँ पर जाएंगे, ऐसे जाएंगे और फिर वर्ड आर्ट पहुँच जाएंगे, फिर हम ये ले लेंगे सेव। यहाँ पर हमें क्या लिखना है, सेवता सीतापुर, SEUT, सेवता लिखें SEUT, सेवता फिर लिख देंगे सीता, SEUTA, सीतापुर। इतना लिखने के बाद हम यहाँ पर इसको फॉन्ट साइज देंगे, कितना बड़ा फॉन्ट रखना है, मान लो 24 रखना है, 24 करके हम ओके कर देंगे। यहाँ मान लो ओके करते हैं, और यहाँ नीचे लिखा हो तो वही कार्य हम फिर करेंगे। यहाँ पर जाएंगे, इसको इस पर भी क्लिक करेंगे, और हम जाएंगे यहाँ पर, हमें नहीं मिल रहा, हम फॉर्मेट पे जाएंगे। फॉर्मेट जाने के बाद हमें यहाँ पर रैप पेस्ट आना है, और यहाँ पर इन फॉन्ट साइज पे कर देना है, और यहाँ पर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर करने के बाद ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे करेंगे, और यहाँ पर सेव यानी चेंज कर देंगे। यहाँ पर अच्छा रखेंगे, उल्टा हमें रखना है, तो हम इसको इसमें मैनेज कर लेंगे, इसी एरो की सहायता से हम इसको मैनेज करेंगे, और इसको हम थोड़ा ऊपर ऐसे, यहाँ पर जाने के बाद हम इसे मैनेज करेंगे, ऐसे मैनेज कर लेंगे। अब इसको फिर नीचे थोड़ा बढ़ा देंगे, ऐसे नीचे थोड़ा बढ़ा देंगे, इसको अपने हिसाब से मैनेज कर लेना है, अपने हिसाब से मैनेज कर लेना है, जैसे आप मैनेज करना चाहो वैसे हम मैनेज कर सकते हैं। और फिर हम इंसर्ट इंसर्ट जाएंगे, और यहाँ पर ऑनलाइन पिक्चर जाएंगे। ऑनलाइन पिक्चर जाने के बाद हम यहाँ पर सर्च करेंगे, यहाँ पर जैसे आपको बुक लेनी है या सूरज लेना है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, हम ये नहीं, ये लेफ्ट हाफ सन, हाफ यस यून सन, हाफ सन लिखने के बाद हम इंटर दबा देंगे, यानी कि सर्च कर देंगे, इंटर दबा देंगे, तो हमारे जितने भी सूरज होंगे सारे सूर्य हमारे आ जाएंगे, यहाँ पर हाफ सूर्य आ जाएंगे हमारे। इसको नीचे उड़ाना हमें, मान लो ये लेना है, थोड़ा हम ऊपर बढ़ाते हैं, मैं देखना इसमें कौन सा अच्छा लग रहा है, वही हमें इंसर्ट कर देना है। मैं मान लो ये अच्छा लग रहा है, तो यहाँ से हम इंसर्ट कर देंगे, थोड़ी देर लोडिंग लेगा फिर आपका आ जाएगा। फिर यहाँ पर हम जाएंगे रैप टेस्ट पर, रैप टेस्ट पर जाने के बाद हम इन फॉन्ट टेस्ट पर जाएंगे, यहाँ से अपने हिसाब से मैनेज कर लेंगे इसको, ऐसे ऐसे मैनेज कर लेंगे, ऐसे इसको थोड़ा ऊपर बढ़ा देंगे, और इसको थोड़ा नीचे बढ़ा देंगे, मैनेज करेंगे, और यहाँ से थोड़ा मैनेज और कर लेंगे इसे, और इसको थोड़ा इधर बढ़ा देंगे, और इसको थोड़ा इस तरफ बढ़ा देंगे, इसको भी थोड़ा इस तरफ बढ़ा देंगे, इस तरफ बढ़ा देंगे थोड़ा, और यहाँ से ये लगा देंगे। अब हमें मान लो यहाँ पर लाने हैं बुक, तो फिर हम यहाँ पर इंसर्ट पर जाएंगे, और यहाँ पर ऑनलाइन पिक्चर पर जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे ओपन बुक, यानी कि खुली हुई किताब हमारी बुक, जहाँ इंटर दबाएंगे सर्च कर लेंगे, जब सर्च होकर हमारी जितनी भी किताबें हैं सारी किताबें हमारी आ जाएंगी, कोई भी बुक हम यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। मान लो हमें ये बुक कुछ इंसर्ट करनी है, तो यहाँ पर जाएंगे और इंसर्ट कर देंगे, हमारी बुक इंसर्ट होकर आ जाएगी। हमारे नीचे पहुंच गई, तो ऊपर लाने के लिए यहाँ रैप टेस्ट पर जाएंगे, यहाँ लिखा फॉन्ट इन फॉन्ट टू टेस्ट, यहाँ ऊपर ले आएंगे, इसको अपने हिसाब से मैनेज कर लेंगे, इसको अपने हिसाब से मैनेज करेंगे, अपने हिसाब पर जैसे हमें इसको रखना है वैसे हम मैनेज करेंगे।
इसको थोड़ा हम नीचे उड़ाएंगे थोड़ा, जिससे हम अच्छी तरीके से इसको मैनेज कर पाए, फिर इसको ऐसे मैनेज करेंगे और इसको हम यहाँ पर नीचे कर देंगे, ये नीचे कर देंगे इसे। नीचे करने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से मैनेज कर लेंगे अच्छी तरीके, और पैरों की सहायता से हम इसको अपने हिसाब से मैनेज कर लेंगे। इसको मान लो हमने मैनेज कर लिया, अब देखते हैं कि हमारा पिक्चर जो बनी थी कैसी बनी, ऐसी पिक्चर बनी हुई यानी कि लोगो हमारा ऐसा बना हुआ है। तो हम कहाँ जाएंगे, इंसर्ट पर जाएंगे, फिर सेव पर जाएंगे हम। सेव पर जाने के बाद फिर हम ए ले लेंगे, ए ले लेंगे, फिर से दबाए रहेंगे, फिर हमें यहाँ से रेसिपी बनाना है, बनाना है। और यहाँ पर जाएंगे हम, इसको थोड़ा इधर दबाएंगे अपने हिसाब से मैनेज करेंगे इसको हम, ऐसे इसको भी बढ़ा देना है, इसको भी मैनेज करना है। अब इसको हमें बढ़ाना है तो हम यहाँ पर जाएंगे, यहाँ से इसको ऐसे ट्रे कर दिए तो हमारा बन जाएगा। अब लोगों के हिसाब से बहुत बड़ा है तो हमें इसको छोटा करना है, तो अभी इसको मैनेज कर रहे हैं। मैनेज करने के बाद इसको हम थोड़ा और मैनेज करेंगे, इसको ऐसा कर लेंगे, हम इसको और थोड़ा कर लेंगे इसे ऐसे मैच के थोड़ा नीचे बढ़ा देंगे और मैनेज करेंगे इसको ऐसे, इसको बढ़ा लेंगे था थोड़ा, इसको ऊपर बढ़ाएंगे ऐसे मैनेज हो जाएगा। तब तो हम इसमें भी कुछ लिखेंगे, इंसर्ट पर जाएंगे और वर्ड आर्ट पर जाएंगे, वर्ड आर्ट पर जाएंगे और यहाँ पर ये दे लेंगे, यहाँ पर दे देंगे कंप्यूटर, कुछ भी लिखते हैं जैसे हमने लिख दिया कंप्यूटर। कंप्यूटर लिखने के बाद हम यहाँ पर साइज देख लेंगे, साइज कितना रखना चाहिए हमें अपने हिसाब से रख देंगे साइज, जैसे हमें 24 करना है, फिर हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हमारा ऊपर आ गया होगा, हम इसको स्क्रॉल बार के सहायता से ऊपर बढ़ाते हैं और यहाँ पर राइट पेज पर जाते हैं, यहाँ पर इन फॉन्ट टू टेक्स्ट लिखा है, यहाँ पर जाने के बाद हम यहाँ देखेंगे। अब इसको फिर हम नीचे उड़ाएंगे, यहाँ से स्क्रॉल बार की सहायता से इसको नीचे उड़ाएंगे, ऐसे नीचे उड़ाएंगे और इसको हम इसमें लाकर सेट कर देंगे, ऐसे ऐसे लाकर हम सेट करते हैं। इसको फिर थोड़ा हम बढ़ा देंगे इधर, इस कोने पर जाएंगे और थोड़ा इसको थोड़ा हम इधर बढ़ा देंगे और थोड़ा इधर भी बढ़ा देंगे हम, इसको यहाँ पर जाएंगे तो थोड़ा हम इधर भी बढ़ा देंगे। और इसको हमें सेव फिल करना है तो यहाँ पर जाएंगे हम, और मान लो कोई टेक्सचर देना है या कुछ देना है तो यहाँ से हम इसको ऐसा मान लो कर देंगे, और इसकी आउटलाइन हम क्या कर देंगे, ब्लैक, ब्लैक का आउटलाइन ब्लैक नहीं करेंगे, रेड कर देंगे, इसकी आउटलाइन रेड कर देंगे और इसकी मोटाई भी बढ़ा देंगे हम। यहाँ पर जाने के बाद ऐसे कर देंगे, मोटाई बढ़ जाएगी। अब इसको हमें फिल करना है तो कहाँ जाएंगे, फॉर्मेट पर जाएंगे, उसको क्लिक करने के बाद फॉर्मेट पर जाएंगे और सेव फिल, सेव फिल पर जाने के बाद हम टेक्सचर लेंगे, टेक्सचर मान लो हमने ये ले लिया टेक्सचर, और इसकी आउटलाइन क्या हो, आउटलाइन ब्लैक कर देंगे यहाँ पर, जैसे मान लो हमने ब्लैक कर दिया यहाँ पर, और इसकी थोड़ा मोटाई हम बढ़ा देते हैं, यहाँ से वेट पर जाएंगे और यहाँ से हम मोटाई बढ़ा देंगे, तो हमारा बनकर लोगो बनकर तैयार हो जाएगा।
अब हम इसको छोटा करें, देखते हैं कि हमारा लोगो कैसा बना हुआ है। तो हम यहाँ से जाएंगे और छोटा कर देंगे, ऐसे हमारा लोगो ऐसा बना हुआ। हम जैसे इसको हम घटा बढ़ा कर देख लेते हैं लोगो हमारा कैसा बना, ऐसा लोगो हमारा बना हुआ है। थैंक यू, नमस्कार दोस्तों। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए। अच्छा लगा होने के उपरांत दूसरे को भी ये वीडियो शेयर कीजिए, जिससे आपके मदद से दूसरा भी देखे तो इस वीडियो के बारे में जाने। और इस वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। सामने बेल आइकन हो उसी को भी दबा दें, जिससे हमारी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, नमस्कार दोस्तों।